अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, अगर सूबे कर्नाटक के जितने एमपीस हैं जो बीजेपी के हैं, इनमें से कोई एक एमपी पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर ये कहे कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में मुसलमानों तुम बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, अरे तुम्हारी हुकूमत वहाँ पर है, वो इशारा करते हैं कांग्रेस हुकूमत की तरफ। और सूबे कर्नाटक के अंदर इस वक्त सिद्धरमैया जी की जो हुकूमत है कि तुम्हारी हुकूमत वहाँ पर है, इस हुकूमत के अंदर कि अकलियत उमूर के और वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम ज़मीर अहमद खान साहब हैं, इन्होंने एक गैर मुस्लिम को अपॉइंट किया है। जबकि कर्नाटक हुकूमत की जो तारीख रही है पिछले 50 साल में एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे पर आज तक कोई गैर मुस्लिम फाइज नहीं हुआ है, तुम्हारा अपना आदमी ने जो है अपॉइंट किया है, तो अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? एक मारूफ जो सामाजिक कारकुन है जिसको आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, जिनका नाम सैयद अशरफ शाह साहब है, कि इन्होंने एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के दरमियान में कहा है, अगर ये सवाल अगर उठाएंगे तो ज़मीर अहमद खान साहब, आप अपने जमीर, आपके ज़मीर को मैं झिंझोड़ रहा हूं, आप क्या जवाब देंगे? आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? आपने इस बुरी रस्म को जारी करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसीबत के अंदर धकेल नहीं दिया है? आपके पास इसका क्या जवाब है? तो लिहाजा फौरी बगैर ताखिर किए हुए इस आदेश को, इस ऑर्डर को वापस लो। और हुकूमत से भी उन्होंने बहुत कड़कदार अंदाज में ये मुतालबा किया है कि इस आदेश को फौरन वापस लिया जाए। अब हम बगैर ताखिर किए हुए उन सैयद अशरफ साहब हैं जो समाजी कारकुन हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर दे, उनकी बात हम सुन लेते हैं। प्रेस के भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे आप लोगों को तकलीफ इसलिए दे रहा हूँ कि कल एक आर्डर निकला माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है वक्फ बोर्ड को, कल की तारीख तक वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता था और कल जो है ना एक वक्फ बोर्ड की मियाद ख़त्म हो गई। इस मियाद को ख़त्म होते ही जो है एक आर्डर निकलता है माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से एक आर्डर निकला, उसमें मिस्टर मनोज जैन को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। किसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है? वक्फ बोर्ड का। मैं आपको ये बता दूं पहले कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर के माने ये होते हैं, वो वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं होता बल्कि सारा बोर्ड वही होता है। सारा बोर्ड जो 10-15 लोगों का, 15 मेंबरों का जो बोर्ड काम करता है, वो सिर्फ एक मेंबर जो है ना, एक आदमी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, वो सारा बोर्ड रहता है। वो जो भी ऑर्डर करे उसकी उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से वो कोई भी काम करे, कोई भी ऑर्डर करे, उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज अगर करना है तो वो कोर्ट में करना पड़ेगा, उसे और कहीं भी किसी भी फोरम पे उसे चैलेंज नहीं कर सकते। रही बात एक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में लाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या हमारे मुसलमान ऑफिसर्स पे आपको भरोसा नहीं था? ये ज़मीर अहमद खान साहब की निगरानी में हुआ है, ये उन्हीं के हुक्म पे, उन्हीं के ऑर्डर पे हुआ है। और मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ, ज़मीर अहमद खान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपको, हमारे इतने मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, क्या किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं था? आज तक की तारीख में कोई भी हिंदू वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना, हिंदू की वजह मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर मजहब का कोई भी आदमी जो है ना वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ। और एक्ट क्या कहता है? एक्ट भी यही कहता है कि सीओ तक जो है ना बोर्ड में, सीओ जो होता है वो मुसलमान होना चाहिए, ये एक्ट में है। एक्ट 1995 के एक्ट में भी है, वक्फ एक्ट में, वो पार्लियामेंट का एक्ट था। उसके बाद 1914 में, 1915 में भी जो है ना इसको, 15 और 16 में जो है ना इसको दोबारा जो है ना ये बनाया गया कि वक्फ बोर्ड का जो सीओ होगा वो मुसलमान होगा। जब सीओ मुसलमान होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होना चाहिए? वो भी मुसलमान होना चाहिए। और मेंबर कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं। इन सारे लोगों के ऊपर, हम लोगों पर मुसल्लत क्यों कर रहे हैं आप ये गैर कौम को ला के, जिनको औकाफ के ताल्लुक से कुछ भी मालूमात नहीं है, जिनको औकाफ के ताल्लुक से मालूमात है? वो हमारे पास कई अफसर थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इतने मुस्लिम अफसरान थे,
उनको छोड़ के एक गैर मजहब के आदमी को ला के वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है? वक्फ बोर्ड कायम कब हुआ था? 1974 में, 1974 में वक्फ बोर्ड कायम हुआ था। वक्फ बोर्ड की तारीख में आज कितने साल हो गए? 50 साल की तारीख में कोई भी गैर मजहब का आदमी वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा है। और आपको क्यों ऐसा लगा, क्यों एक मुसलमान को वहां लाने से आप गुरेज कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? ये आपके अंडर सेक्रेटरी है, मैं मानता हूं ये सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी के ओहदे के लायक भी हैं, वो IPIAS हैं, कर रहे हैं, वो उनको उनकी जगह रहने दीजिएगा। जहां औकाफ का ताल्लुक है, औकाफ जो है ना अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की जायदाद की निगरानी के लिए बाहर से किसी गैर मुस्लिम को ला के वहां मुसल्लत करना ये गलत बात है, ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। हम कहीं किसी और के इसमें गए तो हमें जगह मिलती है क्या? हमें जगह दे देंगे क्या? इससे पहले भी जमीर अहमद खान साहब यही किए कि पूरे जो है ना जितना भी बोर्ड था, बोर्ड के कई मेंबर जो है ना इसके थे, बीजेपी वालों के थे, उनको लेके काम किया आपने। 583 मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट में थे उनको सबको जो है ना बहाल कर लिया आपने, सब के सब बीजेपी के अपॉइंटी थे, तब भी हम खामोश रहे। आज हमारे ऊपर इतना ये केला के मुसल्लत कर रहे हैं, क्या हमारे मुसलमान ऑफिसर्स नहीं थे क्या? उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं था क्या? मुझे लगता है इसलिए आपने इनको लाके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, ताकि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हुई हैं, अगर कोई मुसलमान वहां आता तो उसे खोदता, उन्हें खामोश नहीं बैठता था। और इससे बचने के लिए जो है ना आपने ये काम किया है। जमीर अहमद खान साहब, ये आपकी जाती जायदाद मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत की निगाहबानी एक मुस्लिम ही कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। इतने ऑफिसर्स हैं जो पहले भी रहे हैं, सलीम साहब DGP जो हैं वो भी ये रहे हैं, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं एक ज़माने में। उसके बाद जो है ना हमारे अडूर साहब रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उसके बाद जो है ना हमारे मोहसिन साहब, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उनको नाकाम मालूम था, उनको औकाफ की जायदाद कैसे बचाना उनको मालूम था। किसी को भी दूसरा, कई ऑफिसर्स हैं हमारे, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, किसी को भी ला के रख सकते थे। तो ना आप दूसरे को ला कर रखने का आपका मंशा क्या, आप पब्लिक को बताइएगा, क्योंकि ये आपकी जायदाद नहीं है, आप अपनी मनमानी यहां नहीं कर सकते, आपकी मनमानी करने देंगे भी नहीं। हर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं जमीर अहमद खान के खिलाफ हूं, मैं जमीर अहमद खान के खिलाफ नहीं हूं। 8 महीने से मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की थी। जब गलती करते हैं तभी मैं बोलता हूं।